हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल कंपटीशन वेरियस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे टेक्निकल कंपटीशन वेरियस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज 23 फरवरी 2020 है और 23 फरवरी 2020 से संबंधित जितना भी करंट अफेयर बना है सभी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो मित्रों, बिना देरी किए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो मित्रों क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्लास देख सके और अपना एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। तो मित्रों, अभी मार्च में एसएससी एलडीसी और एसएससी सीजीएल, क्या मित्रों, एसएससी एलडीसी और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होना यानी होने वाला है। तो मित्रों, आप लोग लग जाइए तैयारी में। CHSL और CGL, ये दोनों का एग्ज़ाम मार्च में होगा मित्रों। तो आप लोग लग जाइए अभी से तैयारी में। तो मित्रों, रोज़ की तरह आज भी रोज़ करंट अफेयर मैं लेकर आया हूँ। आज 23 फरवरी 2020 और 23 फरवरी 2020 से संबंधित जितना भी करंट अफेयर बना है मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो मित्रों, प्लीज़ वीडियो के नीचे होगा सब्सक्राइब पर, ऐसे यहाँ पे होगा सब्सक्राइब, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब एक बार क्लिक कीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उस पर एक बार प्रेस कीजिए ताकि जितना भी मेरा लेटेस्ट क्लास चले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो मेरे मित्रों, टेक्निकल कंपटीशन वेरियस, हेलो मित्रों, आज ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरियस को। वीडियो के नीचे ऐसा होगा मित्रों सब्सक्राइब लिखा हुआ, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब पर जाके क्लिक कर लीजिए। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक मत कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें अपना राय दीजिएगा। तो 23 फरवरी 2020 क्वेश्चन एक क्या कहता है, अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने इस्तीफा दे दिया है। मित्रों, ऑप्शन ए में आयरलैंड, ऑप्शन बी में भूटान, ऑप्शन सी में नेपाल तथा डी में मित्रों ब्राज़ील। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? तो मित्रों, अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जिसका नाम है लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर उत्तर ए, क्या मित्रों, आयरलैंड। क्या मित्रों, आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर जी ने क्या किए हैं, अपने पद से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। यानी कि वहाँ के पहले ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर, बट ये क्या किए हैं कि अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। मित्रों, क्या दे दिए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। कौन दे दिए हैं? तो लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, अभी हाल ही में सभी फॉर्मेट के 100 मैच खेलने वाले दुनिया के प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए रॉस टेलर, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी केन विलियमसन तथा ऑप्शन डी डेविड वार्नर। तो मित्रों, अभी हाल ही में सभी फॉर्मेट के 100 मैच खेलने वाले दुनिया के प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं मित्रों, आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो मित्रों, अभी हाल ही में सभी फॉर्मेट के 100 मैच खेलने वाले दुनिया के प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं रॉस टेलर, ऑप्शन उत्तर एक। कौन मित्रों? अभी भारत और न्यूजीलैंड, इंडिया एंड न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज चल रहा है मित्रों। क्या न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज चल रहा है? तो मित्रों, अभी हाल ही में रॉस टेलर क्या किए हैं कि सभी फॉर्मेट, जैसे कि हो गया मित्रों टी ट्वेंटी, टेस्ट, ODI, तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले ये दुनिया के प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। यानी कि इन्होंने टेस्ट मैच में, वनडे में और टी20 में, तीनों क्रिकेट के फॉर्मेट में 100 मैच खेल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मित्रों, तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का भंडार खोज किया गया है? तो मित्रों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का भंडार खोज किया गया है? ऑप्शन एक पानीपत, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी गुरुग्राम तथा चार में है सोनभद्र। तो मित्रों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने की भंडार खोजी गई है? तो मित्रों, लगभग बारह लाख करोड़ कितना मित्रों, 12 लाख करोड़ का सोना यहाँ खोजा गया है मित्रों। और हाँ, कहा जा रहा है कि 300 टन सोना है, कितने मित्रों, 300 टन यहाँ सोना है। और 300 टन सोना मित्रों, ये लगभग अंग्रेजों के समय से ही खोजा जा रहा था, 200 साल पहले से, बट मिला नहीं मित्रों। तो अभी हाल ही में सोना प्लस यूरेनियम, क्या मित्रों, सोना और यूरेनियम
यूरेनियम यूरेनियम प्लस अन्य रासायनिक केमिकल सभी यानी कि इस जिला से प्राप्त हुआ है, लेकिन सोने यहाँ लगभग 12 लाख करोड़ का उपलब्ध कराया गया है यानी कि खोज किया गया है मित्रों। कहाँ? तो ये सोनभद्र, उत्तर डी सोनभद्र में। कहाँ मित्रों? सोनभद्र में। क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोने का भंडार का खोज किया गया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश। तो आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है, तो उत्तर प्रदेश का सीएम है मित्रों योगी आदित्यनाथ। कौन मित्रों? योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनने वाला है कहाँ? अयोध्या में, आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है मित्रों, और राम मंदिर बनने से पहले यहाँ सोना का यानी कि खोज किया गया है। तो मित्रों उत्तर प्रदेश बहुत ही भाग्य वाले राज्य है, और यहाँ का राज्य बहुत जल्द चमकने वाली है। अब उत्तर प्रदेश वाले भाइयों आप टेंशन नहीं लीजिए, आप लोगों का भाग्य जल्द चमकने वाला है। तो मित्रों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का भंडार खोज किया गया है? सोनभद्र में। नेक्स्ट है मित्रों, नेक्स्ट है मित्रों, अभी किस राज्य ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा किया है? ऑप्शन एक पश्चिम बंगाल, ऑप्शन दो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन तीन बिहार, तथा ऑप्शन चार में मित्रों क्या है? केरल। तो मित्रों आप लोगों के पास ऑप्शन है, तो मित्रों आप लोगों के पास ऑप्शन है, चलिए जवाब दीजिए। तो मित्रों अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो उत्तर एक यानी कि पश्चिम बंगाल। क्या मित्रों? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने क्या किया है? पश्चिम बंगाल यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? ममता देवी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। सीएम यहाँ का ममता बनर्जी, जिसको यहाँ के लोग दीदी के नाम से पुकारते हैं। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया है। क्या मित्रों? जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा किया है किस सरकार ने? तो ये पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मित्रों, तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मित्रों अभी हाल ही में दिल्ली में थल सेना भवन का शिलान्यास किसने किया है? तो मित्रों अभी हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में थल सेना भवन का शिलान्यास किसने किया है? ऑप्शन एक नरेंद्र मोदी, ऑप्शन दो राजनाथ सिंह, ऑप्शन तीन अरुण जेटली, ऑप्शन चार अमित शाह। तो मित्रों अभी हाल ही में दिल्ली में थल सेना भवन का शिलान्यास किसने किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? आप लोग माइंड में क्वेश्चन तैयार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राजनाथ सिंह। कौन मित्रों? राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो राजनाथ सिंह क्या क्या किए हैं कि नई दिल्ली में थल सेना भवन का शिलान्यास किए हैं। क्या मित्रों? थल सेना भवन का शिलान्यास किसने किए हैं? तो ये किए हैं राजनाथ सिंह ने। अब बात करते हैं राजनाथ सिंह क्या है। राजनाथ सिंह मित्रों अभी रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है भारत का, और इससे पहले ये भारत के होम मिनिस्टर थे। कौन? राजनाथ सिंह भारत के होम मिनिस्टर थे इससे पहले। तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। तो मित्रों अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ शुरू हुआ है? तो मित्रों ये शुरू हुआ है मित्रों ऑप्शन चार इज द राइट आंसर। मित्रों ये शुरू हुआ है मित्रों कहाँ? उड़ीसा। और उड़ीसा का राज्यपाल कौन है मित्रों? आप लोग को रोज बताता हूँ, आज आप लोग जवाब दीजिए। तो उड़ीसा के राज्यपाल कौन है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया, क्या मित्रों? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है उड़ीसा में। उड़ीसा भारत के राज्य है, यहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है मित्रों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? मित्रों प्रधानमंत्री का सलाहकार यानी कि अभी यानी कि हटा दिया गया है पुराने वाले को और नया नियुक्त किया गया है, तो नाम क्या है? ऑप्शन एक अमरजीत सिन्हा, ऑप्शन दो भास्कर खुलबे, ऑप्शन तीन ऊपर के दोनों, तथा ऑप्शन चार ऊपर के प्रथम। तो मित्रों इसका आंसर क्या होगा आप लोग माइंड में क्वेश्चन तैयार कीजिए और जवाब ढूंढिए। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री, अभी भारत का प्रधानमंत्री मित्रों कौन है? तो अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन है मित्रों? तो अभी भारत का प्रधानमंत्री है मित्रों नरेंद्र मोदी। कौन कौन मित्रों? नरेंद्र मोदी अभी भारत का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और ये गुजरात से हैं।
और ये गुजरात के पहले मुख्यमंत्री थे। तो मित्रों नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सलाहकार यानी कि भारत का मिस्टर प्रधानमंत्री का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर मित्रों उत्तर इज 3 यानी कि ऊपर के दोनों। क्या मित्रों? यानी कि अमरजीत सिंह प्लस भास्कर खुलबे। क्या मित्रों? अमरजीत सिंह प्लस भास्कर खुलबे, इन दोनों को भारत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है मित्रों। अमरजीत सिंह तथा भास्कर खुलबे, इन दोनों का दोनों को नया नया भारत के प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या मित्रों? ऊपर के दोनों। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है किससे? अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे जी को। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? भारत को एक स्थिरता सूचकांक पर डैश स्थान दिया गया है जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को ध्यान में रखता है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऑप्शन एक 46वें स्थान, ऑप्शन दो 111वें स्थान तथा ऑप्शन सी मित्रों 72वें स्थान तथा डी में 77वें स्थान। तो मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 77वें स्थान। क्या मित्रों? 77th स्थान। तो मित्रों भारत के एक स्थिर सूचकांक पर डैश स्थान दिया गया है जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को ध्यान में रखता है। तो मित्रों ये भारत का इसमें रैंकिंग दिया गया है 77वां। कितना मित्रों? 77th इसमें भारत का स्थान दिया गया है किसमें? तो एक स्थिरता सूचकांक पर, भारत को एक स्थिरता सूचकांक पर 77वां स्थान दिया गया है जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मित्रों बहुत ही मेहनत लगता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करने में। तो मित्रों प्लीज़ इससे जाया मत कीजिए, रोज़ क्लास कीजिए, रोज़ क्लास चल रहा है। और हाँ अपने टेक्निकल कंपटीशन वेरियस के यूट्यूब के वीडियो या प्ले लिस्ट में जाकर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, पूरा क्लास उसमें अपलोडेड है मित्रों। तो मित्रों प्लीज़ कुछ यानी कि क्लास को इग्नोर मत कीजिए, बहुत मेहनत लगता है कंटेंट तैयार करने में। बहुत खोज पड़ताल करने के बाद करंट अफेयर या कोई भी क्लास है, एक क्लास करने में लगभग बहुत समय लगता है एक क्लास आप लोगों को देने में। तो अब आप लोग प्लीज़ यानी कि थोड़ा हमें भी एनर्जी दीजिए या थोड़ा आप भी एनर्जी लीजिए। तो मित्रों लाइक कीजिएगा पसंद आएगा तो, जिससे हमको एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, तभी तो मैं जाकर आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी मेरा क्लास से क्वेश्चन आए, काफ़ी उपयोगी हो मेरा क्लास। तो मित्रों हम आपको लक्ष्य तक पहुँचाएँगे, ये 100% गारंटी नहीं देते हैं, बट हाँ आपको रास्ता दिखाएँगे, आपको हम पूरा कंटेंट तैयार करवाएँगे और आप लोग रिवाइज कीजिएगा, रिविजन कीजिएगा, तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त कर पाइएगा। कोई मास्टर यानी कि मित्रों गारंटी नहीं लेता है, कोई टीचर गारंटी नहीं लेता है, बट मैं आपको दोस्त की तरह अपने भाई की तरह मानता हूं, इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि मैं रास्ता दिखाऊंगा, मेहनत आपको करना है, आधा मेहनत हम करूँगा आधा मेहनत आपको करना है। तो मित्रों चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी हाल ही में सर्ववीर सिंह को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन एक में पॉलिसी बाजार, ऑप्शन दो में HCL, ऑप्शन तीन में भेल, ऑप्शन चार में इंडिको। तो मित्रों अभी हाल ही में सर्वजीत सिंह को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो ये पॉलिसी बाजार मित्रों। क्या उत्तर? एक इज द राइट आंसर, पॉलिसी बाजार। अभी हाल ही में सर्ववीर सिंह को CEO नियुक्त किया गया है। CEO नियुक्त किया गया किसका? तो ये पॉलिसी बाजार का। तो सर्ववीर सिंह को CEO नियुक्त किया गया है मित्रों किस कंपनी का? तो पॉलिसी बाजार का। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अभी हाल ही में किस देश ने भाषा आंदोलन के शहीदों के याद में शहीद दिवस मनाया है? तो मित्रों ऑप्शन है आप लोगों के पास, इंडिया, बी में है मित्रों नेपाल, सी में है बांग्लादेश और डी में है मित्रों भूटान। तो अभी हाल ही में किस देश ने भाषा आंदोलन के शहीदों के याद में शहीद दिवस मनाया है? तो मित्रों ये मनाया है कौन? तो ये मित्रों मनाया है बांग्लादेश। कौन मित्रों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मित्रों, बांग्लादेश। कौन मित्रों? बांग्लादेश क्या किए हैं? बांग्लादेश ये क्या किए हैं कि अपने भाषा आंदोलन के शहीदों के याद में शहीद दिवस मनाया है। तो बांग्लादेश शहीद दिवस मनाया है, क्यों मनाया है? तो ये भाषा आंदोलन के शहीदों के याद में। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर मित्रों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, अभी कौन राज्य ने रियायती अभी कौन राज्य सरकार ने, यहाँ पर होगा सरकार, अभी कौन राज्य सरकार ने सरकार अभी कौन राज्य सरकार ने रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलेगी। ऑप्शन एक में बिहार, ऑप्शन बी में हरियाणा, सी में केरल और डी में मित्रों कोई नहीं। तो मित्रों अभी हाल ही में यानी कौन राज्य सरकार ने रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा कैंटीन खोलेगा? तो ये अटल किसान मजदूर, क्या मित्रों? अटल किसान कैंटीन, अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलेगी। कौन इसका आंसर क्या होगा मित्रों? दो, हरियाणा। तो मित्रों अभी बात करते हैं हरियाणा। तो हरियाणा राज्य सरकार ने क्या किए हैं कि रियायती दर पर, किस दर पर? रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलेगी। कौन? हरियाणा। और हरियाणा का भी सीएम कौन है मित्रों? इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और किस पार्टी से है? तो ये बीजेपी पार्टी से है, बीजेपी पार्टी से है। तो मित्रों अभी हाल ही में रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलेगी। कौन? हरियाणा। मित्रों आज का सवाल, भारत का महान्यायवादी कौन है? भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है मित्रों? आप लोग इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसका आंसर मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड करूंगा। तो मित्रों वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज़ एक बार वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, शेयर कीजिएगा तो बोलिएगा सब्सक्राइब कर लेने के लिए मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरियस। क्या मित्रों? टेक्निकल कंपटीशन वेरियस, टी ऐसे लिखिएगा, TECHNICAL, टेक्निकल, CompetitionVarius, वेरियस। तो मित्रों टेक्निकल कंपटीशन वेरियस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक होगा, लाइक पर क्लिक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो लव यू टू ऑल माय स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।